लेकिन हाँ एक प्लस पॉइंट जरूर हुआ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था जिसको लग रहा था कि अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ती तो वो पटता, वो एक तरह से एक साथ पे आएगा। अगर राहुल गांधी का बायनाड चला जाना और सोनिया जी का उत्तर प्रदेश अब चुनाव नहीं लड़ रहा, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए, कोई कहे, क्योंकि बीजेपी ने तो साफ साफ कहा है कि हम इनको अपने इनके ही क्षेत्र से नहीं टिकने देंगे। आज ये चौपाल बहुत महत्वपूर्ण है इस वजह से उत्तर प्रदेश के मायने, चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अब गठबंधन हुआ जिसका इंतजार काफी समय से था, और ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के उन वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गठबंधन के क्या मायने हैं और किस तरीके से ये खास हो जाता है। हमारे साथ नवलकांत सिन्हा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ अशोक राजपूत जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर इस जो गठबंधन है इसके क्या मायने हैं उत्तर प्रदेश में। नवल साहब, जिस तरीके से ये गठबंधन का आज आया है, 13 सीटों 17 सीटों पे कांग्रेस, बाकी पे क्या कहेंगे इस पूरे को लेकर, कितना आप जानते हैं? देखिए, दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और इस ये प्रमाण है कि जब भी उत्तर प्रदेश में जो पार्टी जीतती है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा केंद्र में बन जाती है, क्योंकि 80 सीटों का मामला है। और जाहिर सी बात, जो पिछले दो चुनाव हुए लोकसभा के जिस तरह से बीजेपी जीती, दो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी जीत चुकी, तो एक बड़ी ताकत के रूप में बीजेपी है, और बीजेपी को कमज़ोर समझना ये गलती होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि ये जो बीजेपी है इसके खिलाफ विपक्ष में कौन लड़ रहा है, तो विपक्ष पूरी तरह से बटा नजर आ रहा था। लेकिन आज जो हुआ है, कम से कम इतना जरूर हुआ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ कि एक मनोवैज्ञानिक ताकत मिली है कि एटलीस्ट जो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उत्तर प्रदेश में, जो विपक्ष लड़ेगा उसका नेतृत्व कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करेगी। और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि सीटों का भी बंटवारा जो काफी दिन से टल रहा था, काफी सीटों पे विवाद था जिसको सपा भी चाहती थी और कांग्रेस भी चाहती थी, वो सीटें भी उसमें सहमति बन गई है। तो जाहिर सी बात है कम से कम इतना तो हुआ है कि लड़ने लायक स्थिति हो गई है और ये एक माहौल बना है। और जाहिर सी बात है कि आप देखिए ना कि जो सीटें हैं खासतौर से उन पे कंसंट्रेट कीजिए जहाँ पे या तो कांग्रेस मजबूत है या समाजवादी पार्टी मजबूत है, अगर वहाँ पे ढंग से प्रयास करती है तो मुझको लगता है कि कुछ सीटें जो है विपक्ष हासिल कर सकता है। अभी आज की स्थिति है, अगर मेहनत करते हैं या कुछ माहौल बनता है तो कुछ और सीटें भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक माहौल जरूर बना है। माहौल बना है यानी कि आपके हिसाब से अभी। अशोक सर से भी लेते हैं, सर एक आपसे भी लेना चाहूँगा, क्या लगता है इस गठबंधन से कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन बना है? देखिए, पहले माहौल बन रहा था गठबंधन नहीं हो रहा है, गठबंधन नहीं हो रहा है, फिर गठबंधन होते होते गठबंधन में जो एलायंस थे वो छोड़ छोड़ के चले गए, तो ये वाला जो पक्ष था, जो इंडी गठबंधन था, थोड़ा दबाव में था। वो दबाव के मायने भी थे क्योंकि एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल महत्वपूर्ण था, फिर समाजवादी पार्टी के दूसरे लोग थे वो अंदर से थे वो चले गए, तो उस नए ने जब सब लोग चले जा रहे थे, सब लोग नाराजगी कुछ और चीज़ें और मतभिन्नता हो रही थी, तो अकेले जब अखिलेश यादव पड़ रहे थे, तो उस स्थिति में ये जो गठबंधन आज 17 वर्सेस 63 का हुआ है, 80 सीटों के में से हुआ है, तो करीब 20% के करीब कांग्रेस को है, 20% से भी कम है, 18-17% रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका क्योंकि पूर्व में जो पिछले 2019 का लोकसभा चुनाव था, ये दोनों पार्टियां तब लड़ी थी, तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट तभी भी नहीं दे पाई थी। और हम अभी इसको किस तरह से कहेंगे, अभी थोड़ा चुनाव घोषणा हो जाए तो कुछ थोड़ा सा चीज़ें सामने आएंगी। सर, जो पहले का भी गठबंधन था और अब भी है, कितना अंतर आपको लगता है, क्या डिफरेंसेस आए हैं इसमें, और आपको लगता है कि क्या पहले की तुलना में ये थोड़ा मजबूती आएगी इस बार लोकसभा में? देखिए, पहले भी गठबंधन उत्तर प्रदेश में सब प्रयोग हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो सपा और बसपा का गठबंधन हो, चाहे वो जो इस बार फिर दोबारा हुआ है सपा और कांग्रेस से गठबंधन हो, दोनों से उभर चुकी है बीजेपी और दोनों को देख चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि अभी इस गठबंधन के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, एक प्लस पॉइंट जरूर हुआ है कि जो मुस्लिम वोट बैंक था जिसको लग रहा था कि अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ती तो वो पटता, वो एक तरह से एक साथ पे आएगा, एक मंच पे आएगा, और एक राजनीति में मनोबल जो है बढ़ता है उसका भी बड़ा असर होता है, हवा जो बनती है उसका भी असर होता है। तो इस लिहाज से मुझको लगता है कि इस गठबंधन को अभी मनोवैज्ञानिक फायदा हुआ है, लेकिन जमीन पे काम करना अभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। सर, सीटों पे जो बंटवारा हो, वो सीटें जो
महत्वपूर्ण इन्होंने ली हैं कांग्रेस ने, आपको कितना लगता है कि लोकसभा में विजय हो पाएंगे? देखिए कांग्रेस के लिहाज से देखें कि कांग्रेस के पास आज उत्तर प्रदेश में नेता ज़्यादा हैं, कार्यकर्ताओं का बड़ी बड़ी कमी है। लेकिन जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राजेंद्र चौधरी जी ने भी कहा और सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा नरसोतन ने कि हम लोग जहां कांग्रेस लड़ेगी वहां पे भी कांग्रेस की बहुत मदद करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक मैसेज देने की और मनोवैज्ञानिक तौर पर और मजबूत करने की कोशिश हो रही है सपा की तरफ से। और कांग्रेस के भी कई जो संसदीय क्षेत्र हैं जहां पे संगठन थोड़ा सा काम कर रहा है मजबूत स्थिति में, तो अगर साथ आके खड़े होते हैं तो उसका फायदा जरूर होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो वही है कि जो उनकी पारंपरिक सीटें यानी खानदानी सीटें जो कह लीजिए कि रायबरेली और अमेठी, वहां पे पिछली बार खुद राहुल गांधी हार चुके हैं और उसके बाद रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार के लोग आए भी नहीं, देखने भी नहीं आए। हालांकि जो सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी उसमें कहा कि अब हमारे दल का नहीं, कहा हमारे परिवार का सपोर्ट कीजिए, तो ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार का सदस्य कोई लड़ेगा और हो सकता है कि वो प्रियंका गांधी हो। लेकिन मुझको लग रहा था कि सोनिया गांधी की उम्र हो रही है तो जाहिर सी बात है उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं, लेकिन इतना भी नहीं खराब नहीं था, क्योंकि अगर वो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने कई बार जा सकती हैं, कई रैलियों में जा सकती हैं, तो एक बार अमेठी झांकने आ सकती, तो मुझको लग रहा है कि अगर उनको छोड़ना ही था तो उनको यहाँ पे आना चाहिए था और यहाँ कार्यकर्ताओं से राय लेनी चाहिए थी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी, तो एक बहुत सकारात्मक संदेश जाता और जो गांधी परिवार से अटैचमेंट महसूस करते हैं रायबरेली के लोग वो महसूस करते। तो अभी तो मुझको लगता है कि कांग्रेस को सबसे बड़ी रणनीति तो बनानी होगी कि रायबरेली को जीता जाए और अमेठी को फिर से हासिल किया जाए, इसके अलावा फिर दूसरी सीटों पर कंसंट्रेट करना होगा। सर क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी को फायदा होगा इस गठबंधन से या कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि 63 और 17 की बात है, कहां हद तक यूपी में किस लेवल पे जाएगा? देखिए ये जो गठबंधन हुआ है खासतौर से कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वो उन सीटें मिली हैं, कांग्रेस एक बार 14 साल पहले 2009 के चुनाव में करीब 21 सीटें जीत चुकी थी। वो ऐसे समय जीती जो कि लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और खो गई थी, वो उसी क्लिक पर शायद समझौता भी हुआ, लेकिन उस समझौते में समझौता करने वाले जो लोग थे उनको ही पीछे हो गए हैं। फिर दूसरे उत्तर प्रदेश में जो अभी एक और महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट है, बायनाड, अगर राहुल गांधी का बायनाड चला जाना और सोनिया जी का उत्तर प्रदेश अब चुनाव नहीं लड़ना, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। कोई कहे, क्योंकि बीजेपी ने तो साफ साफ कहा है कि हम इनको अपने इनके ही क्षेत्र से नहीं टिकने देंगे, और क्योंकि ये सब सीटें कांग्रेस जीतती रही है, चाहे देवरिया रही हो, चाहे बनारस रही हो, चाहे ये आपके कानपुर रही हो या ये सब रही हो। आश्चर्य इस बात है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सामना करने में हिचक रही है। वो चाहे आप उन सीटों को देख लीजिए जो समझौते में जो सीटों का नाम आया उल्लेख है, लखनऊ में वो समाजवादी पार्टी राजनाथ सिंह जी के अगर प्रत्याशी होते हैं या बीजेपी से उनसे नहीं होते, बनारस में भी उनके सामने नहीं लड़ रहे हैं, पिछले बार बनारस में लड़े थे तो भी 1 लाख वोट करीब उनके प्रत्याशी को मिले, मतलब लड़ने की स्थिति में या तो इसे फ्रेंडली फाइट करने की या कोई संबंध विस्तार के रूप में किसी तरह से देख लिया जाए, ऐसा कुछ रहा होगा। और मतलब आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस की पार्टी में जो सोनिया गांधी जी कांग्रेस को लीड की थी, अगर वो इस चुनाव के उससे बाहर हो रहे हैं तो बाहर होने का एक तरीका भी जेस्चर भी देना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिया, वो मैसेज भी अभी अच्छा नहीं गया है और उस मैसेज का कांग्रेस के वर्करों के लिए तो कोई नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी अगर करेंगी तो अपने क्षेत्र के लिए अन्य जगह जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से घिराव कर रही है, जिस तरह से अभी तक हम अभी वहाँ उन अमेठी में और रायबरेली उन सब में देख चुके हैं, पिछली बार जो जिस तरह से उनको अचानक बायनाड में जाकर नामांकन करना पड़ा था, तो स्थितियां थोड़ी सी दूसरी तरह की। समाजवादी पार्टी कोई अपनी क्या करेगी, क्यों समाजवादी पार्टी तो पिछले बार और भी नुकसान में रही थी, तब बहुजन समाजवादी पार्टी ज्यादा इफेक्टिव थी। इसका महत्वपूर्ण अभी भी यह गठबंधन मेरे जैसे समझदार आदमी के लिए, राजन जितनी मैं समझता हूं, यह गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी रहती तो शायद ये अच्छा गठबंधन होता और ये अच्छी तरह से। सर आखिरी सवाल लूंगा आपसे भी कि क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा भी कि नहीं होगा गठबंधन से?
देखिए, जो अशोक जी ने बात रखी वह महत्वपूर्ण है कि 2009 में 21 सीटें जीती थी और मुझको लगता है कि उसी स्ट्रेटजी पे पहले से काम होना चाहिए था। मुझको याद है कि 2009 के चुनाव में जिसको भी चुनाव लड़ा था उसमें मैक्सिमम लोगों के टिकट लगभग अंदरूनी रूप से तय हो चुके थे और वो लोग अपने क्षेत्र में कम से कम एक एक साल काम करते रहे, चाहे वो पीएल पुनिया को ले लीजिए, चाहे वो अजरुद्दीन जैसे खिलाड़ी को लाके चुनाव लड़ाना हुआ तो उसको ले लीजिए। वहाँ पे सब एक स्ट्रेटजी के लेवल पर तय हो गया था कि कहाँ पे बड़ा स्टार लड़ा दें कि वो कम समय में भी जीत सकता है, कहाँ पे वो लोग लड़ाएं जो क्षेत्र में समय दे सकें और जीतने की स्थिति में है। तो जाहिर सी बात है उस समय भी कांग्रेस का जो संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर था, लेकिन 21 सीटें हासिल की थी। वो तैयारी अभी तक तो नजर ही नहीं आ रही कि कांग्रेस उस तरह की तैयारी कर रही है, लेकिन हाँ आज अभी भी वक्त है, कुछ सीटें हैं जिन पे वो अगर टारगेट कर लेती है और उसके बाद तो लक्ष्य भी बहुत कम है, 17 सीटों का लक्ष्य है। और मुझको तो लगता है कि बल्कि मेरे समझ से परे है कि जब सीटों का लेन देन चल रहा था तो वाराणसी की सीट हो सकता है अजय राय जी की इच्छा रही होगी कांग्रेस ही लड़े, लेकिन वो सीट वहां पे कोई भी लड़ेगा वो कोई जीत नहीं सकता था। तो मुझको लगता था कि ये सीट दे के कोई और सीट हासिल कर लेते तो उनके जीत की उम्मीद किसी दूसरी सीट पर ज्यादा बढ़ जाती। सर आपसे भी आखिरी पॉइंट लूंगा, आपको क्या लगता है इस गठबंधन से फायदा होगा कि नहीं होगा या बीजेपी आगे निकलेगी? देखिए, बीजेपी की अभी जो स्पीड है उस स्पीड में तो हमें लगता नहीं है कोई ब्रेक लगता है, लेकिन क्योंकि राजनीति कुछ संभावनाओं का और उनका रहता है, आप जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उसमें आप अपना मोर्चाबंदी खेमेबंदी कैसे करते हैं। मोर्चाबंदी खेमेबंदी करने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पीछे पिछड़ गए। और ये देखिए, नवल जी से मैं एक बात को और थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ, ये जो गठबंधन हुआ है ये गठबंधन अभी भी स्वाभाविक नहीं है। ये स्वाभाविक गठबंधन तो इसलिए मजबूरी हो गई है क्योंकि एक जो पीडीए का एक हिस्सा था, अल्पसंख्यक होता है, मुस्लिम वोट होते हैं, उनका दबाव ज़्यादा रहा, उन्होंने क्योंकि पिछले बार वो सब के सब बीएसपी के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया था, इस बार वो उनका था किसी तरह से हो तो अच्छी बात है कि दोनों सेकुलर पार्टी हैं उनके साथ रहे, लेकिन वो फिर चूक हो गई ना, या तो पहले क्यों मायावती एक लाइन तय कर चुकी है, मायावती खुद कह भी चुकी हैं, हालांकि ये लोग अपनी अभी भी अब तो खैर नहीं मुझे लगता है कि किसी भी तरह से मायावती अपने कदम से बदलेंगी कि समझौता कर लेंगी, कुछ कर लेंगी, समझौता करने के लिए सीटों का बराबर वाली स्थिति होती थी। तो मुझे अभी पिछले बार की बीजेपी की स्पीड को ये लोग कितना रोकेंगे, अभी थोड़ा दिन और रुक जाइए। धन्यवाद बहुत। देखिए, साफ तौर से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका मानना है कि अभी कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मिलकर अभी और मजबूती करनी होगी और ऐसा मोर्चा बनाना होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे पाएं, लेकिन जो हालात हैं, जो स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं ये गठबंधन अभी भी बहुत मजबूती की तलाश में या उसको जरूरत है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।